ऑलरेडी शूट कर लिया था लेकिन इंट्रो उसके बाद में शूट कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारी ये चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी थी। 6 दिन तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, ऑप्शन ही बंद हो गया था, लेकिन वो कुछ गलतियां हो गई थी हमसे भी, तो अब हम ध्यान रखेंगे अब स्ट्राइक ना आए। और जो लोग को नहीं पता, वीडियो सनी लाइव मेरी दूसरी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं डाल रहा था। मैंने ब्रेक तो लिया ही नहीं है, 6 दिन के 6 लोग उधर आए ही है, और यहाँ पे अब से फिर से स्टार्ट हो गया है रूटीन। तो बस फिर से मचाते, अब गलतियां नहीं करेंगे। आई नो आप लोगों को आदत पड़ गई है ब्लॉग देखने की, तो फिर से वो चीज हैंडल नहीं होती, लेकिन अब से ये चीज नहीं होगी, आई प्रॉमिस। बाकी सनी लाइव को भी सब्सक्राइब कर लो, वहां पे हम चैलेंजिंग वीडियो वो सब बनाने वाले हैं आप लोगों की भाभी के साथ। और आज मैं मिलने जा रहा हूँ आप लोगों की भाभी को मुंबई। सो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी, थोड़ा सा फनी, एकदम चुप चुप धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि बजे है रात के 4, सब सोए हुए, और मैंने बुलाया ऑटो स्टेशन जाने के लिए। ऑटो का वेट कर रहा था, ऑटो आ चुका है। ब्लॉग मैं आज करने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरी कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको मैंने प्रॉमिस की हुई है, उसके चलते ब्लॉग तो करूँगा ही। तो थोड़ी एनर्जी डाउन है, लेकिन ट्राई करेंगे कि हम जैसे करते हैं वैसे ही करें। कहाँ है भाई ऑटो वाला? पहुँच चुके स्टेशन, और ऐप में मैंने सिलेक्ट किया था QR कोड, क्योंकि मैं कह सकता ही नहीं, मुझे पता है कि ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और ऑटो को ट्रांसफ़र ही दूंगा। तो यहाँ पे आके वो भैया बोलते हैं कि भाई कैश ही चाहिए, तो मैं कैश ढूंढने गया, कैश ढूंढ के एक चाय वाले से कैश लेके उसको ट्रांसफ़र करके फिर कैश दिया। अभी यहाँ आ गया, मेरे को चाय भी पीनी थी लेकिन मैंने कट टू कट कैश मांग लिया, अभी यहाँ पर चाय पी लेंगे। भाई इससे जल्दी आज तक मैं स्टेशन कभी नहीं पहुंचा। मेरी ट्रेन है 5:15 की और मैं 4:15 को स्टेशन पे हूँ। एक्साइटमेंट बोलते एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। विदाउट टाइम वेस्ट हम प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो चले जाते हैं। भाई ट्रेन का ना मेरे को बहुत भयंकर भयंकर एक्सपीरियंस है, मेरी बहुत बार ट्रेन छूट चुकी है और इतनी महंगी महंगी टिकट करवाई हुई छूट चुकी है। एसी बुक करवाता हूँ और छूट जाती है, फिर लोकल में जाता हूँ, ऐसी सारी चीज़ हो चुकी है। सो मैं नहीं चाहता आज, एटलीस्ट आज तो रिपीट ना हो। और भाई ये शूज़ भी नए निकाले मैंने, बहुत टाइम से लिए हुए थे, पहने नहीं थे, सब आज ही निकाल दिए, एकदम हीरो बन के जाएंगे। तुम्हारी भाभी इंप्रेस पे डबल इंप्रेस, तो इंप्रेस X2 हो जाएगा। स्टेशन की भीड़, भागो। सही है भाई, सबका अपनी अपनी लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल है। हम भी पहले भागा भाग करके ही ट्रेन पकड़ते, हम अभी भी पकड़ते। तो अपनी गाड़ी का नंबर लग चुका है, भयंकर वाली लड़ाई हो रही है यहाँ पे भाई, फुल्ली मारा मारी। तो यहाँ पे B2 पे जाना है, हमारा जो डब्बा है गाड़ी का वो B2 पे आएगा। अब इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना भाई, ये अपनी ट्रेन है कि नहीं वो भी नहीं पता, मुंबई सेंट्रल दिखा रही है, हमको मुंबई सेंट्रल जाना है, लेकिन हमारी ये राजधानी ना, ये दुरंतो एक्सप्रेस है, दुरंतो, सो ये हमारी है। हाँ तो आप सबका सवाल होगा कि हम कब मिलते हैं, वो मुंबई रहती है मैं सूरत का, हम कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं। हाँ मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आऊँगा, लेकिन हो जाता है, ऊपर वाला जो चाहता है सब होता है। तो बहुत रेयर मिलते हैं, मतलब महीने में एक बार मिलते हैं हम, और दोनों के लिए वो हार्ड रहता है, मतलब महीने में एक ही बार मिलना, लेकिन अच्छा लगता है जब आप इतने दिन बाद मिलते हो, बहुत स्पेशल फीलिंग रहती है। तो एक एक महीने के गैप में हम मिले, लास्ट 4 महीने से एक एक महीने के गैप में ही मिले, मैं ऐसे पहली बार जा रहा हूँ उसको मिलने, तो वो ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए, लेकिन इतने इतने टाइम में मिलते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस। चलो भाई फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है, और लकीली मैं यहाँ पे B4 पे ही खड़ा हूँ। भाई पहुंच चुके हैं, कॉल करते हैं फटाफट, उसको बुलाते हैं। तो गाइस फाइनली हम मुंबई आ चुके हैं, आप सबको किया हुआ प्रॉमिस, स्पेशली इनको किया हुआ प्रॉमिस मैंने निभाया, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, मैं पहली बार आया हूँ ऐसे इसको मिलने मुंबई, तो आप लोगों को मिलवाता हूँ, दिखाता हूँ। सो मुंबई तो मैं कब के आ चुके हैं, और स्टेशन पे लेने भी आ गई थी ये मेरे को, लेकिन हम वहाँ पे कुछ शूट नहीं किए क्योंकि हम मिलने में बिजी थे ना भाई, वो प्राइवेट के बाद मिले ना। हाँ तो यहाँ पे अभी मैं आपको मिलवा देता हूँ। 1, 2 एंड 3 हेलो हाय।
संग रहने संग तुझा राजा इतना ही दिखा पाऊंगा, बाकी देखते कब आपको दिखा पाएंगे। कैसे हो भाई? सब बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम चांगले है भाई। अभी ये मेरे को बाबुलनाथ मंदिर लेके आई है और सिद्धि विनायक भी जाना है हमको, अब पूरा मुंबई घुमाएगी। सो हमें ना ऐसी रोमांटिक प्लेसेस से ज्यादा मंदिर ज्यादा जाते हैं अब तक, क्योंकि अब तक हम इतने सारे मंदिर जा चुके हैं, जब भी हम मिलते हैं मंदिर तो जाते ही है, इस्कॉन टेम्पल वगैरह बहुत जाते हैं। हम जाएंगे अभी इस्कॉन के स्वागत के लिए हमारे। क्यों इतना सारा क्यों किया? यहाँ पे आप चाहोगे तो शादी भी कर सकते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। इंट्रो साली है, मुझे बोला कि वाओ आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी। मी आला ना तुझा जिंदगी मधी हो खरा माला भी नहीं है तो दिए बड़ी मडर। सेम सेम सेम, बहुत सारा सामान लेके आई थी ये मेरे लिए, सब बैग में ठूस दिया है क्योंकि अभी मैं मंदिर जाना है तो कहाँ सब लेके घूमने। किलो का मेरे को आते टाइम बहुत ज्यादा जरूरत। नहीं नहीं, जाते टाइम ज्यादा टाइम फिर और ज्यादा नहीं निकलेगा, अब ऐसे ही रहेगा। ये लेके आया मतलब मेरे लिए लेके आया नेक पिलो, तो तू पहले सूरत आके मेरे को नेक पिलो दे दी थी, फिर तू चली जाती, फिर मैं नेक पिलो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ? लड़की क्यों हो? बिकॉज आप ही तो हो जिसके पास मैं लाड़ कर सकती हूँ। कितनी और समय, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। शुक्रिया माय मैन, थैंक यू। शिव जी, बाबुलनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सर जी आपको थैंक्स। मस्त हमारे दर्शन हो चुके हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट? बहुत जल्दी आपने ब्रेकफास्ट का नाम लिया। जी हाँ, 10:00 बजे। 10:00 बजे तो कब से भूख लगी? पहले ये तो पहले बहुत जल्दी है, मेरे लिए तो 2 बजे ब्रेकफास्ट होता है। तो तेरे घर पे बराबर, मेरे घर पे नहीं चलेगा, समझी ना? ये फोटोज को देख के मुझे लग रहा है कि तू जो बनाती है ना आर्ट वर्क, वो ऐसे वॉल पे लगने चाहिए। ये बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना, बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाती है। शुक्रिया सच में दिल से। ला गूगल पे कर दे, बोल ऐसा ही बोलना था ना? हाँ जी जी, ऐसा ही। पेमेंट आपको जीपे का हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आर्ट वर्क। 10,000? 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000। मैं मिलने आने वाला था इसके लिए, इसने हेयर कलर करवाया, नील कर, नील आर्ट करवाया, नील नहीं करवाया, मतलब इतना क्या मेरे को इम्प्रेस कर रही है? हो गया आप, क्या हो गया? थोड़ा आगे चलते ही हम दूसरे मंदिर आ चुके हैं गाइस। इस्कॉन मंदिर, मतलब मैंने इस्कॉन जाना ही इसके साथ स्टार्ट किया क्योंकि ये कृष्ण भगवान के बिगेस्ट फैन है और मेरे को भी ऑलमोस्ट बना ही दिया है। अब हमारा टारगेट है वृंदावन जाने का, जाएंगे। इस्कॉन मंदिर हर जगह इतने प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। प्यारा सा चीज दिखाऊं, मुझे याद दिलाऊं। कौन सा प्यारा? प्यारा सा चीज तो मैं हूँ। ये फेवरेट है, बहुत ज्यादा मैं हमेशा आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मस्त है भाई, यहाँ का इस्कॉन मंदिर कितना मस्त है। यस बहुत है, यहाँ से ज्यादा तो उधर है वृंदावन जैसा, अलग ही वाइब है भाई यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ वाव। यहाँ पे अब आ गया है सी साइड, सी साइड के पास आ गया, अब उधर जाते हैं। वाव, सुबह मरीन्स, तो मरीन्स है भाई, मरीन्स पे हम बहुत लेट नाइट तक बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठे जो आ रहा है बहुत टाइम तक, और वहाँ पे बस बातें करते रहते हैं। कौन सी बातें? सीरियस जॉब पे सीरियस वहाँ पे हमारी एकदम सीरियस बातें होती है, एकदम प्रॉपर जेन्युइन बातें होती है, जिंदगी की बातें। जी जी, उसकी वाइब अलग है मरीन्स, जो मुंबई में रहते हो रिलेट कर पा रहे हो। हैप्पी वैलेंटाइन डे, पार्क में आए 5 मिनट बैठे, उतने में तो बंद भी हो गया, फिर भी ठीक है ना, आपको दिखाया तो ये देख लिया। बहुत बहुत मस्त गार्डन है, लेकिन गार्डन में उतना क्या, बहुत बाबू सोना वाला निब्बा निब्बी जैसा लगता है, है ना? अपना मरीन्स, मरीन्स है। हाँ, जाते हैं मरीन्स, पर अभी जाके कुछ फायदा नहीं, अभी तो बहुत धूप होगी।
हमारे सपनों पे पानी फिरता हुआ, पानी नहीं ब्रिज फिरता हुआ। नहीं आगे है, हम चर्चगेट साइड बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठ, लेकिन हम यहाँ पे बैठते थे जी, नहीं चर्चगेट साइड ट्राइडेंट होटल के। तो फिर ठीक है, अब देखते हैं वहाँ पे भी हुआ है कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छा बन रहा है यार। क्या बन रहा है? ब्रिज। अच्छा सॉरी, मैंने बताया नहीं, मेरा बंगला, हम दोनों का बंगला बन रहा है उधर, सी साइड व्यू लिया। किसको बताना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सो अभी हम आ चुके हैं किधर? इधर FS फैशन स्ट्रीट, स्ट्रीट के ऊपर फैशन, फैशन के ऊपर स्ट्रीट, क्योंकि मुझे लेना था बैग। तो बैग तो दिलाएगी तू, ठीक है जी। और विरल के लिए भी बैग लेना, उसने ही बोला हुआ है खास करके सेम ऐसा वाला। और इसमें कुछ अच्छा आया हुआ है इस टाइप में, तू भी देख लेगा ना? नहीं आता तो मंगवा लेगा ना? क्या मुंबई है तुम्हारा यार, आपका सूरत बहुत अच्छा है, सूरत में ही फिर ले लो भाई। फोटोग्राफर बन सकती है तू फोटोग्राफर की। अरे एक मिनट, बैग पकड़। सेवा एंड ऑल, बहुत अच्छे फोटो खींच के दिए मुझे। फोटोग्राफर बनना था? हाँ, इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, लेकिन इसने मेरी लाइफ वाइल्ड कर दी है। मेरे को पता है आपको देखना होगा इन्हें, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। घूमो घूमो, मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर मारने का आएगा तू? शॉपिंग हमारी कुछ हुई नहीं, बैग अभी तक मिला नहीं है। दो मार्केट घूमे हम, पता नहीं बैग पे ग्रहण लग चुका है। लेकिन अभी आ गए हैं मैकडी, सो अभी हम मैकडी में आ चुके हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आराम से बैठ पाए। जी हाँ, ठीक है। आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है ये बंदा, सच में आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब चार्जिंग पॉइंट नहीं और वो कैसे फ़ोन रख रहा है उसका, मेरा दिमाग मेरा। बहुत भूख लगी है गंदी वाली, 12:30 बजे अभी तक, और हमने कितना सारा घूम लिया। शिव मंदिर गए, इस्कॉन टेम्पल गए, कोलाबा मार्केट गए, गार्डन गए, फैशन स्ट्रीट गए, और अभी इधर आए, अभी वापस जाएंगे। तो टाइम स्पेंड करना है, घूमना तो क्या, टाइम स्पेंड हो गई बड़ी बात है। थैंक यू, चलो खा के बाद में बात करते हैं। मुंबई में बहुत भयंकर डेवलप हुआ है, डबल डेकर बस जो आती थी वो एकदम प्रीमियम हो चुकी है, ये देखो पीछे आ रही है। ओ नाइस, इतने 2012-11 आसपास आया था फैमिली के साथ, तब डबल डेकर में बैठे थे हम मुंबई दर्शन के लिए, बस रहती है भाई। इतना चल रहे ना हम सुबह से अभी तक, मेरा 25 किलो वजन घटा दिया तूने, 25 किलो अच्छी बात है ना, वैसे भी मोटे हो गए थे। मैं मोटा हो गया हूँ? हाँ, सही है ना भाई, बहुत स्ट्रगल है ना, मेहनत है ना। लोकल ट्रेन आते हुए यहाँ पे पहली बार नहीं है मेरा, टेंशन मत लो। पर ये विराट की है ना, इसमें ज्यादा गर्दी रहती है। हाँ गर्दी है, अभी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है ना। ले कहाँ है भाई? चलो 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 चलो, इधर नहीं, इधर ये बहुत देखना पड़ता है, नियम है जैसे बैग आगे रखना रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ सामान चोरी हो जाता है। लेकिन मेरी सबसे अनमोल चीज़ तो ये कैमरा पकड़ के खड़ी है, आगे कुछ भी चोरी हो जाए चलेगा। कैसा ब्लर कर रही है पीछे से, कितनी खुश हो रही है। लेकिन ये सब सीख गया भाई मैं, बैग बैग आगे करना। आपको आते रहना है ना इधर, इसलिए एंजॉयिंग वैलेंटाइन डे गाइस। अब हम उतर गए तो बैग हम पीछे ले लेते हैं, हैशटैग स्ट्रीट लाइफ ऑफ मुंबई। सुहानी शाम हो चुकी है, सुबह से हम घूम रहे थे, थक चुके थे, तो हम एक जगह ढूंढ रहे थे जहां हम फ्रेश हो सके और कपड़े चेंज कर सके। देखो मैंने चेंज कर लिया है और इन्होंने भी चेंज कर लिया है। तो ये देखो मैंने इसका पैंट पहना है और इसने मेरा पहन लिया। यस, हांडा फूट गया। हमने एक रेस्टोरेंट हमको मिली और वहाँ पे हमने खाना वाना खाया और उसके साथ ही साथ चेंज कर लिया, फ्रेश हो गए। और अभी यहाँ पे इतनी मस्त वाली जगह पे बैठे हम, मरीन लाइंस पे तो पता नहीं कुछ काम चल रहा है, ऐसा कुछ बोल रही है ये, कुछ तो हो रहा है। लेकिन वहाँ पे बहुत बैठने की बहुत मजा आती है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है देखो। ठीक है भाई, तो हमने एक चीज ली थी वो हम देते हैं, विशिंग योर मेनी मेनी हैप्पीनेस। ये सब प्रैक्टिस नहीं, हमने फर्स्ट टाइम एवर मैं किसी लड़की को रोज दे रहा हूँ, माँ कसम मेरी जिंदगी में कभी नहीं दिया, तो ये रोज जाता है तुम्हें। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, थैंक यू माय लव, आई होप कैसे ही रहे, खुश रहे। और एक था तो वो तू मुझे दे ले। हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू, थैंक यू एवरीथिंग। तो भाई अपने को नहीं आता इतना बहुत खास ये सब, लेकिन
कर लिया, दिन वो था इसलिए, बाकी तो रोज बस अब तो भूल ही ना कि कभी मिलेगा तेरे को, ये संभाल के रखना। क्या नहीं देगा यार मेरे को बोलना, कभी नहीं देगा तेरा, ये रोज नहीं मिलेगा मुझे कभी, इधर देख के बोलना से दूंगा ना तो। हमारे सुख दुख की बातें करेंगे। जी हाँ। वो तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन ये हमारा वैलेंटाइन डे कुछ इस तरीके से स्पेंड हो रहा है, अभी इधर बैठते हैं आराम से। क्या बोलते भाई? जी हाँ। क्या बोलते भाई? क्या बोलते? अरे चलो कोई नहीं, अब मिलते थोड़ी देर बाद। सो देखो यहाँ पे रात हो चुकी है, शाम के कितने बज चुके हैं पता नहीं, फिर हम बातचीत, मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है ना हमारा, मरीन लाइन्स हो या फिर ये हो, चाय वाले आए भैया चाय पीते हैं, बहुत सारी हम बातें करते हैं बैठ के शांति से। आप लोग को भी एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अपने पार्टनर से बात ज़्यादा किया करो, फ़ोन पे नहीं, ऐसे बैठ के बात किया करके ऐसे, क्योंकि फोन पे मैसेज मतलब पे, महीने तक फिर वीडियो कॉल पे बात ही मत करो। ऐसा नहीं, जो सीरियस बातें होती है जिस पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो एक महीने तक ऐसे ही स्टॉप करके रखने का, स्टॉप करके रखने का, तो ऐसे बात ज्यादा करो, बैठ के बात ज्यादा करो। इससे क्या होता है ना, अब सामने वाले की फीलिंग प्रॉपर आपको पता चलती है, किस वे में बोलना चाह रहे हैं मैसेज या कॉल पे, वो वे नहीं पता चलता, उसके अंदर के भावार्थ पता नहीं चलते, बट हम कुछ करते ही नहीं वैसा। तू तेरे पे क्यों ले रही है, मैं इन लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ है मेरा मानना, बाकी आपकी मर्जी, एक टाइम पे उसमें वादे खाते हैं जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का, और फिर थोड़ी तुच्छ सी लड़ाइयों में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, एक बार कमिट तो कमिट, कोई भी आके इंप्रेस करे, कुछ भी हो फाइनल ये है तो ये ही है। वी शुड गो डाउन ओवर देयर। नहीं नहीं नहीं, व्हाई? बट ऑल आर गोइंग देयर, सी, ऑल आर गांडा, वी आर नॉट गांडा ना। भाई इतने प्यारे प्यारे डॉग्स है ना, क्यूट, इसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, जस्ट फॉर दिस। प्लीज, कब हो रहे हो शिफ्ट? जस्ट फॉर दिस, नॉट फॉर यू। इट्स ओके, मैं आपके लिए ऐसे 10 मेरे घर पे ही रख दूंगी। यार ये कितनी ऑसम है यार, आप आ जाओगे ना? और तू 11वीं, ठीक है ना, उस बहाने भी आ जाओगे ना? ठीक है, ठीक है भाई। नहीं, ओह शिट, ओह मैन, ओह गॉड, डूड, यू नेल इट माय ब्रो, यू नेल इट। जेन ज़ी कल्चर है भाई पूरा, ये जेन ज़ी कल्चर जो है ना, बहुत हो रे, बाप रे भाई, फेंक दिया। मैंने हार मान ली है, लेकिन ये हार नहीं मान रही, बैग मिल नहीं रहा, ये पता नहीं, एक दो अंकल को पूछा तो बोला कि बंद हो गए, जिसके पास पड़े होंगे तो उसके पास मिल जाएंगे। अब हम आए लिंकिंग रोड आए, लिंकिंग रोड लास्ट है, उसके बाद हम छोड़ देंगे, फिर देखेंगे, कभी ये ढूंढती रहेगी, मिलेगी तो मेरे को कुरियर कर देगी। भाई इतने संघर्ष के बाद मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने बोला कि एक लास्ट लिंकिंग देख लेते हैं, और फाइनली वी गॉट दिस, नया ब्रो, एंड दिस आल्सो, ये भी बहुत बढ़िया है, और एक और है जो विरल को चाहिए था, तो विरल के लिए भी ले लिया है फाइनली। भाई अभी बैक टू बैक दिख रहे हैं, और दिखे हमको, लेकिन जेंट्स नहीं दिख रहा, एक और जेंट्स लेना है। अब मैं मेरा ये सड़ा हुआ फेंक के ये लगा लूंगा। गाइस अभी बजे है रात के 11, और मेरी मौसी यहीं थाने में रहती है, तो अभी वो उसके घर चली है, और सुबह मेरी 11 बजे की ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से, तो मुंबई सेंट्रल उसके घर से 15 मिनट्स ही है, तो सुबह वो आ जाएगी और मैं सुबह उठ के फटाफट चला जाऊंगा। सो बस यही था, आई होप कि आपको इस ब्लॉग में मजा आया होगा, मजा तो नहीं आया, बहुत लोगों की कंप्लेंट होगी कि दिखाया नहीं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन वॉइस आ गया है, धीरे धीरे मिल लिया है, तो धीरे धीरे दिखा भी देंगे। कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा हम दोनों को साथ देखते, हाँ उसका चेहरा नहीं देख पाए आप, लेकिन जल्दी दिखाएंगे आपको, दिखाए बिना कहाँ जाना है भाई, कहाँ। तो चलते हैं, अभी खाना है मेरे को, क्योंकि दूसरे के घर पे है, तो जल्दी बहुत लेट नहीं कर सकते, कल मॉर्निंग में फिर से हम मिलेंगे उन्हें, और फिर सूरज जाएंगे। सो बस जल्दी आपको प्रॉमिस करता हूँ, जल्दी दिखा दूंगा, बाकी कॉमेंट करते रहिए, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।